सो so, आज हम लोग टुडे स्टार्ट करते हैं अ ड्रिफ्ट एट सी सो दिस इज़ अ स्टोरी और ये स्टोरी का राइटर का नाम है आ, ओ एक्सट्रैक्ट है ये बाय एन मार्टल सो उन्होंने ये स्टोरी को लिखा है एक एक्सट्रैक्ट है ये सो so, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस एक्सट्रैक्ट सो so, लाइफ ऑफ पाई इज़ विनर ऑफ टू थाउजेंड टू मैन बुक बुकर प्राइज का ये विनर है लाइफ ऑफ़ पाई ये एक बुक है नॉवल होगा शायद ये विनर है टू थाउजेंड टू का जो मैन बुकर प्राइज होता है उसके लिए दिस बुक इज़ अ विनर इट हैज़ वन दिस प्राइज सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ पाई पटेल सिक्सटीन ईयर ओल्ड बॉय हु फाइन्स हिमसेल्फ अ ड्रिफ्ट ऑन अ राफ्ट एट सी सो दिस इज वॉट इज दिस स्टोरी अबाउट दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ पाई पटेल कैरेक्टर प्रोटेगोनिस्ट हुज नेम इज प्राई पाई पटेल मतलब जो इस कहानी का जो कैरेक्टर है पाई पटेल के बारे में जो सिक्सटीन ईयर ओल्ड का लड़का है उसके बारे में ये कहानी है और अभी क्या दिखा रहा है कि वो सी के ऊपर में अड्रिफ्ट uh, है अड्रिफ्ट एट सी का मतलब ऐसे एमलेसली तैरते रहना ठीक है वो राफ्ट के ऊपर बैठा है सो व्हाट इज राफ्ट राफ्ट मतलब होता है कि तीन चार वुड्स uh, को आपस में अगर जोड़ दिया जाए तो इट इट स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ स्मॉल बोट तो उसके ऊपर अगर कोई बैठेगा तो आदमी डूबेगा नहीं तो इट स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ स्मॉल बोट एंड ऑन विच इन विच अगर इज सिटिंग तो ही इज नॉट गोइंग टू बी ड्राउंड ऐसे ब्राउन तो हो ही सकता है क्योंकि पानी अगर चारों तरफ से आया तो वो उसमें डूब भी सकता है लेकिन थोड़े समय के लिए वो एमलेसली तैर भी सकता है सी के ऊपर जब तक उसका लक्स देता है ऑब्वियसली तब तक ही हिज ओनली कंपेनियन रॉयल बंगाल टाइगर नेम्ड रिचर्ड पार्कर और उस सी के ऊपर और भी कोई एक जन था तो कौन था वो रिचर्ड रॉयल बेंगल टाइगर था जिसका नाम था रिचर्ड पार्कर सो लेट मी शो यू

टेरिबली क्रूयल बट ही इन ही इज़ इन सीरियस डेंजर एंड इज़ ड्रिवन बाई फीयर तो बहुत सारा प्लानिंग्स उसके दिमाग में आया और वो लेकिन बहुत क्रूयली डरा हुआ था उस चीज़ से है ना बट ही इज़ बहुत सीरियसली सीरियस सिचुएशन में वो था सीरियस डेंजर में था और बहुत उसको डर लग रहा था द रेन ग्रू स्ट्रोंगर एंड द सी रफर एज द नाइट प्रोग्रेस्ड बोल रहा है कि जैसे जैसे नाइट आगे जा रही थी रात बढ़ रही थी तो वैसे वैसे रेन जो है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा था और भी ज्यादा तेज तेज से बारिश चालू हो जा रही थी द रोप टू द लाइफ बोट टॉट एंड विथ अ जर्क रादर देन विथ अ टग अब यहाँ बोल रहा है कि तो यहाँ बोल रहा है कि जो रॉ रोप था वो लाइफ बोट का जो रोप था लाइफ बोट होगा उसके पास मेरे ख्याल से ये राफ्ट के बारे में ही बात कर रहे हैं ये जो लाइफ बोट था उसके पास उसका उसके ऊपर जो रोप बंधा हुआ था उसमें कोई रस्सी बंधी हुई होती है लाइफ बोट के ऊपर तो वो टॉटेंड हो जा रहा था मतलब टाइट हो जा रहा था टॉटेंड मतलब टाइट हो जा रहा था विद अ जर्क रादर देन विद अ टग मतलब हम हम लोग अगर किसी चीज़ को टग करें टग मतलब जोर से बांधना अगर टग करें तो उससे नहीं बल्कि जो उसको जर्क लग रहा था बार बार क्या चीज़ का जर्क माने वो जो वेव्स उठ रहे थे तो उस चीज़ से उसको जर्क लग रहा था उस रोप को तो इट इज़ गेटिंग इट वाज गेटिंग टाइटेंड एंड टाइटेंड एंड टाइट एंड विद दो जर्क्स नॉट विद द टग अगर तुम जोर से बांधोगे तो भी उतना टाइट नहीं होगा जितना उसको जर्क से वो टाइट हो जा रहा था द रॉकिंग ऑफ द राफ्ट बिकेम मोर प्रोनाउंसड एंड इराटिक अभी जो रॉकिंग ऑफ द राफ्ट मतलब ये जो राफ्ट था सी के सर्फेस के ऊपर जो ये राफ्ट था मतलब मैंने जो बताया अभी तुरंत कि अगर आपस में वुड्स को बांधे और जो हमने देखा भी अभी जैसे हम दिखाते हैं फिर से हम लोग देखते हैं ये रहा ये जो राफ्ट है आ, ये जो है ये ये रॉक हो रहा था मैंने घूम रहा था सी के ऊपर इधर उधर और ये बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस्ड हो गया था अब दिख रहा था प्रोनाउंस्ड मतलब बिकेम मोर ओवियस देखो नीचे में लिखा इजिली सीन और फेल्ट देखा जा सकता था कि ये जो राफ्ट है ये पूरी तरह से घूम रहा है इधर से उधर जोर जोर से घूम रहा है जोर जोर से जो इधर जो उधर ड्रिफ्ट हो रहा है सी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रोनाउस्ड हो गया था ये चीज़ और इरेटिक भी था मतलब इरेटिक मतलब नॉट श्योर इन नेचर कभी झुक जा रहा है कभी गिर जा रहा है कभी बह जा रहा है इस तरह से तो नॉट श्योर इन नेचर बिकॉज इसका जो मूवमेंट्स था वे आर वेरी अनश्योर बिकॉज ऑफ देव्स ऑफ दी बिकॉज ऑब्वियसली वेव्स वे आर वेरी इरेटिक इन नेचर दे वेर वेरी इट वॉज नॉट श्योर विच वे देव आर गोइंग टू और विच वे देवर गोइंग टू मूव तो उसी वे उसी दिशा में तो ये भी बहेगा ना इसीलिए तो बहुत इरेटिक हो गया था इट कंटिन्यू टू फ्लोड राइजिंग एब एवरी वेव और ये बहता ही गया बहता ही गया जितने भी वेव्स आ रहे थे सबके साथ ये बहता गया बट द सर्फ ऑफ एवरी ब्रेकिंग वेव रोड क्लियर अक्रॉस इट लेकिन वेव्स जो है इसके ऊपर से भी होकर आर पार हो जा रहे थे मैंने अक्रॉस मैंने आर पार हो जा रहे थे वॉशिंग अराउंड मी लाइक अ रिवर Washing around border, मैंने उसको ऐसे धो के वो चले जा रहे थे के 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 जो जो पानी, जो जो पानी ऊपर से बह के जो चला जा रहा था वो ऐसे उसको पाई को धो के चला जा रहा था ठीक है ओब्वियसली राफ्ट के ऊपर जब पानी आ जाएगा तो पाई उसके से पूरा भींग जा रहा था तो जैसे एक जैसे रिवर बाउल्डर को धो देता है मैंने अगर रिवर के इधर उधर अगर बाउल्डर uh, हो कोई बड़ा क्या बोलते हैं उसको माउंटेन uh, वगैरह हो कोई रॉक हो तो उसको जैसे धोता है ना हम लोग देखते समुद्र धो धो के चला जाता है फिर वेव उठता है फिर उसको धोता है फिर वापस चला जाता है तो <coughs> उस तरह से उपाय को वो रिवर का पानी मैंने सी का पानी धो धो के चला जा, जा रहा था द सी वॉज वार्मर दैन द रेन बट इट मेन्ट दैट नो पार्ट ऑफ मी स्टेट ड्राई दैट नाइट जो सी का पानी था वो वार्मर था रेन से मैंने रेन का ठंडा पानी गिर रहा था लेकिन सी का पानी जो था वो गर्म था लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं था ये कहीं से भी इसका मतलब नहीं है कि उस रात मेरा शरीर का कोई भी पोर्शन जो था वो ड्राई था मैंने सूखा हुआ था इसका मतलब उसका पूरा शरीर उसका पूरा बॉडी भींग गया था ठीक है तो इसके बाद हम लोग तो नेक्स्ट पेज में हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पेज में देखो ड्यूरिंग दोज लॉन्ग कोल्ड डार्क आवर्स एज द पैटरिंग ऑफ द इनविजिबल रेन गॉट टू बी डेफिनिंग मतलब उ उस लॉन्ग रात को वो जो लंबी रात थी ठंडी रात थी और डार्क रात थी या फिर डार्क आवर्स जो समय जो बीत रहे थे उसके साथ एज द पैटरिंग ऑफ द इनविजिबल रेन मतलब जो इनविजिबल रेन था मतलब जो रेन ऊपर से गिर रही थी इनविजिबल था क्योंकि आवर्स आर्स वेयर वेरी डार्क एंड ही वाज अनेबल टू सी एनीथिंग ही वाज अनेबल टू सी एनीथिंग इन दोज एंड दैट्स व्हाई ही वाज अनेबल टू सी दोज रेन्स पैटरिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द दॉटर और ओवर हिम हिमसेल्फ क्योंकि रात था वो उसको कोई भी रेन वगैरह कुछ दिख नहीं रहा था लेकिन ये जो रेन का जो आवाज़ होता है पैटरिंग टप 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 जो पानी गिरता है ये उसको ये डेफिनिंग हो गया था मैंने बहरा हो बना बना मैंने हो गया था ये बहरा हो गया था कैसे क्योंकि जो समुद्र की आवाज़ थी इतने जोर जोर से जो समुद्र में जो वेव्स उठ रहे थे जो वेव्स वेयर कॉइलिंग एंड टॉसिंग एंड एवरीथिंग सो so, ये जो चीज़ था ये जो मतलब समुद्र का जो व्यवहार था वो उस पानी गिरने के का, का जो पैटरिंग का जो साउंड था उसको पूरी तरह से दबा चुका था तो वो कुछ भी सुनाए उसको नहीं दे रहा था सो एंड टॉस्ड मी अबाउट वो बोल रहा है कि सी जो है हिस्ट कर रहा था कॉइल्ड घूम रहा था कॉइल मतलब गोल गोल घूमना वेव्स घूमते हैं ना टॉस्ड मी अबाउट और उसको जो घुमा रहे थे टॉस्ड मी मतलब वही अड्रिफ्ट का ही मतलब टॉस्ड इधर उधर वो बस बैठ के इधर उधर झूल रहा था उस राफ्ट में आई हेल्ड ऑन टू वन थॉट रिचर्ड पार्कर लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज घूम रहा था रिचर्ड पार्कर के बारे में मैं सोच रहा था आई सेवरल प्लान्स टू गेट रीड ऑफ हिम सो दैट लाइफ बोट माइड बी माइंड अच्छा लाइफ बोट वो उसको बोल रहा है जिस जो मैंने इसके राफ्ट को नहीं बोल रहा है मुझे लगा कि इसी के लिए बारे में बात कर रहा है बट नो no, वो जो जिसमें रिचर्ड पार्कर बैठा हुआ था वो लाइफ बोट ये चाहता था कि उसको किसी तरह से मिल जाए तो वो प्लान बना रहा था कि कैसे रिचर्ड पार्कर से उसका पीछा छूट जाए और वो लाइफ बोट के अंदर आके अपनी जान बचा ले प्लान नंबर वन अब वो बताता है कि प्लान नंबर वन उसका क्या था पुश इम ऑफ द लाइफ बोट उसको वो पुश करके उस लाइफ बोट से नीचे गिरा दे वॉट गुड वुड दैट डू क्या ये सही होगा इवन इफ आई डिड मैनेज टू शो फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी पाउंड्स ऑफ अ लिविंग फियर्स एनिमल ऑफ द लाइफ बोट बोल रहा है कि भले ही मैं इस शोफ का मतलब होता है रफ रफली खींच के गिरा देना इवन इफ आई डिड मैनेज टू शो फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी पाउंड ऑफ अ लिविंग ये जो लिविंग एनिमल है लिविंग क्रीचर है उसके सामने जो है भले ही वो उसको खींच खाच के नीचे गिरा दे ठीक है शोव का मतलब खींच खाच के नीचे गिरा दे उसको ये उसका जो इतना वजन है फोर हंड्रेड फिफ्टी पाउंड उसका वजन है वो उसको गिरा दे ये फियर्स एनिमल को इस लाइफ बोट के अंदर से बाहर गिरा दे टाइगर्स आर एक्म्प्लीस्ड स्विमर्स तो टाइगर्स जो होते हैं वो बहुत ही एबल स्विमर्स होते हैं मतलब तैराक होते हैं टाइगर्स वो डूबने वाले नहीं है वो तैर के चले जाएंगे इन द सुंदर दे हैव बीन नोन टू स्विम फाइव माइल्स इन ओपन चौपी वाटर्स मतलब सुंदरबन के जो टाइगर्स होते हैं वो बहुत एक्म्प्लीस्ड होते हैं बहुत ही एक्सपर्ट uh, वो मैंने स्विमर्स uh, होते हैं वो फाइव माइल्स तक चौपी वाटर जो रफ वाटर हो उसमें भी वो तैर के फाइव माइल्स माइल्स तक जा सकते हैं इफ़ ई फाउंड हिमसेल्फ अनएक्सपेक्टेडली ओवरबोर्ड रिचर्ड पार्कर वुड सिंपली ट्रेड वाटर फिर वो बोल रहा है कि अगर इफ़ ई फाउंड हिमसेल्फ अगर वो अपने आप को देखता है कि वो अनएक्सपेक्टेडली ओवरबोर्ड मतलब फाउंड इ्फ अनएक्सपेक्टेडलीवर बोट रिचर्ड पार्कर वुड सिंपली ट्रेड वाटर वो देखेगा कि आ, मतलब वो ओवर मैंने बोर्ड के ऊपर नहीं है तो यहाँ पे देखो बोर्ड का मतलब लिखा हुआ है ओवर द साइड ऑफ द बोट और इन टू द वॉटर मतलब वो अगर वो अपने आप को पानी के अंदर पाएगा ठीक है रिचर्ड पार्कर तो वो पानी में चलने लगेगा ट्रेड वाटर मतलब पानी में चलने लगेगा और क्लाइम बैक अबोर्ड हो सकता है वापस वो चढ़ सकता है वो लाइफ बोर्ड के अंदर वापस चढ़ सकता है एंड मेक मी पे द प्राइस अब देखो यहाँ हो क्या रहा है कि वो उसको गिरा देगा पानी से नीचे तो अगर वो देखेगा अरे हमको पानी से नीचे गिरा दिया और खुद खुद वो चढ़ गया तो वो वापस से क्लाइम बैक कर सकता है अबोर्ड अबोर्ड हो सकता है मैंने वापस से उसका लाइफ बोर्ड के ऊपर लाइफ बोर्ड के ऊपर वो चढ़ सकता है और उसके बाद उसको मजा चखा सकता है कि अच्छा तुमने मेरे साथ ऐसा चीटिंग किया रुको मैं तुमको बताता हूँ तो इस ट्रेचरी के लिए वो मुझे सजा दे सकता है ठीक है तो इसमें यहाँ तक करते हैं ना तो फिर मतलब लोड करने में प्रॉब्लम होती है फिर नेक्स्ट हम लोग अलग से करते हैं रुको